दोस्तों नमस्कार। आप एक बार फिर आहत होंगे, खास करके वो बच्चे जो नीट 2024 की परीक्षा में भाग लिए थे। दोस्तों सरकार चिल्लाती है कि डबल इंजन की सरकार है। क्या इंजन पूरी तरह से सचमुच फेल हो चुकी है? क्या इनसे एक परीक्षा भर नहीं संभल रहा है? आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की हालत ये थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे परीक्षा समीक्षा अधिकारी का पेपर, पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर एकदम धड़ल्ले से आउट हुआ और धड़ल्ले से सड़कों पर बिछा। वैसे ही बिहार की परीक्षा देखिए, बिहार में अध्यापक की जो भर्ती परीक्षा थी वो भी एकदम धड़ल्ले से चल गई और सरकार चिल्ला रही कि डबल इंजन की सरकार है। आप बताइए, 24 लाख बच्चों ने 5 मई को नीट के परीक्षा के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हुए थे और नीट का पेपर इतने धड़ल्ले से और इतने बड़े पैमाने पर आउट हुआ, तो क्या इससे डबल इंजन की सरकारें अब कमज़ोर हो चुकी हैं? क्या ये मान गई हैं कि हमसे जो कानून व्यवस्था है, जो परीक्षा में पारदर्शिता है, वो संभलने का नाम नहीं ले रहा है? आखिर में ऐसे कब तक चलेगा? कब तक युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? आप सोचिए, आपके घर के बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को कोटा, कानपुर, राजस्थान, वाराणसी में रख करके 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए दे करके उनको पढ़ा रहे होंगे, तैयारी करवा रहे होंगे, जहां ऐसे में शिक्षा माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से नीट जैसे परीक्षा का, जो कि सेंट्रल लेवल का परीक्षा है, उसका पेपर इतने धड़ल्ले से आउट हो रहा है। आप क्या सोच पा रहे हैं कि क्या ये सरकार आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है? अगर कर रही है तो आपको अभी भी मौका है। क्या डबल इंजन की सरकार की जो इंजन का जो टंकी है जिसमें पेट्रोल भरा जाता है वो भी लीक हो चुका है? तो अगर लीक हो चुका है तो क्या सचमुच में जो 400 पार का नारा दे रहे हैं आप लोग ऐसा होने देंगे? मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के चेहरे पर झांक कर देखिए और तब आप डिसीजन लेगीएगा कि क्या ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या ये सचमुच में उनका सफल होगा? मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर इस पर मंथन करिएगा, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा, आप 5 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ पर मत सोचिएगा, क्योंकि यही आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सोचिए क्या हो रहा है देश के साथ। तो ऐसे में आप सोचिए कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार आपके बच्चों के जीवन को नष्ट नाबूद कर रहा है। ऐसे में आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी आ रहा है, जो चुनाव आ रहा है, एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो आपके बच्चों के जीवन और भविष्य के साथ सोचे और उनके जीवन बेहतरीन के लिए सोचे। दोस्तों नमस्कार।